चलिए मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे सभी बच्चों, आपको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए जो बच्चे हमारी क्लास में ऑनलाइन हैं या फिर हमारी क्लास में ऑफलाइन बैठे हुए हैं, मैं उन सबको सूचित करना भी चाहता हूं कि आज तारीख 8 फरवरी 2022 से हमारी क्लास में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आईएएस से लेके पीसीएस से और ग्रुप सी तक या कोई भी ऑल ओवर एग्जाम हो, एक हमारा विषय रहता है उसमें जनरल स्टडी में भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के हम आज से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी रणनीति देखिए हमारी क्लास की क्या होगी। तो हम कोई भी सब्जेक्ट आपको यूट्यूब से ले या ऑफलाइन क्लास ले, हम एक रणनीति के साथ आपको लेके चलते हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक, चाहे वो आईएएस का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो, ग्रुप सी का एग्जाम दो, लेखपाल, पटवारी, नेट, सीटेट, यूटेट, अदर कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हर एग्जाम में हमारे पढ़ाई से क्वेश्चन आना ही आना है। आप ये बात नोट कर ले, कोई भी हमारा कोई भी आपका एग्जाम ऐसा नहीं होगा, या आप 8 से 10 साल के पेपरों का एनालिसिस करिएगा तो जो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाएगा और उससे क्वेश्चन ना आए, एक बार हमारी क्लास लेकर आप खुद यह हो जाएगा आपको कि वाकई जो सर कह रहे हैं ये सत्य है। तो चलिए हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने शेड्यूल पे आते हैं। आज का हमारी जो क्लासों का शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, चलिए देखते हैं और डे बाय डे हम टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ इस तरह ही इस रणनीति के साथ ही काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, विषय है हमारा भारतीय इतिहास। ये आप याद रखना, भारतीय इतिहास। अब देखिए भारतीय इतिहास को हमने अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ये हमने अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, जबकि विश्व जो इतिहास है वो हमारे एग्जाम में नहीं आता, ये आप ध्यान रखना। हमारे इतिहास में 3 ही पोर्शन आते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो प्राचीन भारतीय इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास की रणनीति क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, ये हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास हम स्टार्ट करेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, शुरू में इतिहास के स्रोत। इतिहास के 4 स्रोत हैं, याद रखना। एक तो इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है, स्रोत का मतलब है हमें जो जानकारी मिलती है, हम वो सब देखेंगे कैसे कैसे क्या मिलती है इतिहास की जानकारी। धर्म ग्रंथों से हमें क्या जानकारी मिलती है, धर्म ग्रंथ में हमारे वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद आ जाएंगे। ऐतिहासिक स्रोत इतिहास की जानकारी के क्या क्या है, जैसे सिक्के, अभिलेख, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब आपके ऐतिहासिक स्रोतों में आते हैं, इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये पढ़ेंगे हम। विदेशियों का विवरण, जो विदेशी लोग भारत में आए उन्होंने भारत के बारे में हमें क्या क्या जानकारी दी है। कुछ लोग चीन से आए जैसे फायांग, हवेनसांग, इतिसंग, कुछ लोग सऊदी से आए, कुछ लोग अफ्रीका से आए, कुछ यूरोप से आए, कुछ अमेरिका से आए, इन सब के द्वारा हमारे इतिहास के बारे में जो दी गई जानकारी है वो पढ़ेंगे हम। इसके बाद चौथा हमारा जो पॉइंट है, पुरातत्व संबंधी प्रमाण। पुरातत्व जो प्रमाण है हमारे, उसमें आपके अभिलेख, स्तंभलेख वगैरह वगैरह, इसमें सब आपके शामिल हो जाएंगे। अभिलेख, सिक्के भी आ जाएंगे इसमें, अभिलेख, सिक्के, स्तंभलेख, ये सब आपको इसी टॉपिक में जानकारी मिलेगी। इसके बाद फिर हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आपको पूरी एक सीरीज दी है क्लास के शेड्यूल की,
प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या था, क्यों इंपोर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इसमें एग्जाम में बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। इसके बाद टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए हमारे एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी की खोज, विशेषताएं, सिंधु घाटी किन किन नदियों के किनारे थी, यहां से क्या क्या प्राप्त हुए, ये सब इसी में पढ़ेंगे हम। टॉपिक नंबर 4 होगा हमारा वैदिक काल। वैदिक काल को आपको पता होगा हमने दो भागों में पढ़ना है, हमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो भागों में हमें इस टॉपिक को पूरा समाप्त करना है। टॉपिक नंबर 5 हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का उदय, प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का उदय था वो पढ़ेंगे, और इन 16 महाजनपदों की जो राजधानी थी वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। टॉपिक नंबर 6 जो होगा हमारे इतिहास में वो होगा जैन धर्म, जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म के जो 24 गुरु थे वो पढ़ेंगे, प्रथम गुरु कौन थे, जैन का पूरा एक ब्रीफ समरी और पूरा इतिहास हम इसमें समा लेंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर जो 7 होगा हमारा वो होगा बौद्ध धर्म की स्थापना। बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध वगैरह और उनकी जो बौद्ध सभाएं थी 4 वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी जानकारी है वो आपको इसी टॉपिक में मिलेगी। इसके बाद हम शैव धर्म पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 8 होगा शैव धर्म पे। टॉपिक नंबर 9 होगा वैष्णव धर्म पे। टॉपिक नंबर 10 होगा इस्लाम धर्म पे। टॉपिक नंबर 11 होगा आपका ईसाई धर्म पे, क्रिश्चियन धर्म पे। 10-12 पारसी धर्म पे। टॉपिक नंबर जो 13 होगा हमारा सिकंदर का भारत में आगमन, या सिकंदर का भारत पर आक्रमण, या सिकंदर का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें। टॉपिक नंबर 14 होगा हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना, उसमें आपका बिंदुसार, बिंबसार और आपका अशोक, अशोक के भाई, अशोक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ये सब हम इसी टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर 15 होगा ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना, भारत में ब्राह्मण साम्राज्य, ये जो सातवाहन वंश है ये ब्राह्मण साम्राज्य में आता है, तो आप याद रखना ब्राह्मण साम्राज्य अलग पढ़ देंगे और सातवाहन वंश अलग पढ़ देंगे। सातवाहन साम्राज्य की विशेषता, सातवाहनों ने भारत में पहली बार आपके शीशे के सिक्के चलाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। टॉपिक नंबर 17 में पढ़ेंगे हम शक, कुषाण, पहलव, संगम काल, अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी विशेषता क्या थी और इनके विदेशी लोगों के भारत में आक्रमण का क्रम क्या है। टॉपिक नंबर 18 पढ़ेंगे हम गुप्त साम्राज्य की स्थापना, गुप्तों की क्या विशेषता रही है भारत में, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे कैसे हुई, क्या रही है सर। टॉपिक नंबर 19 पढ़ेंगे हम चोल साम्राज्य की स्थापना, चोल साम्राज्य की स्थापना। टॉपिक नंबर 20 पढ़ेंगे हम भारतीय इतिहास का प्राचीन काल में अन्य प्रमुख जानकारी, इसके अलावा भी जो प्राचीन काल की कुछ जानकारी अगर हमें लगता है कि इंपोर्टेंट है तो वो आपके लिए हम टॉपिक नंबर लास्ट में 20 में, और इसी में हम एक सेशन डिस्कशन कर रखे हैं ताकि आप लोगों की जो भी समस्या है वो आप हमें बताएं और हम उस समस्या पर ध्यान देंगे और उस समस्या को आपको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करा जाएगा। तो ये हमें आप लोगों तक इतिहास की जानकारी पहुंचानी थी कि जो हमारी आज की कक्षा है और जो इतिहास का शेड्यूल रहेगा वो पूरे हमने 20 टॉपिकों में, प्राचीन जो काल है पूरे 20 टॉपिकों में डिवाइड किया है हम लोगों ने, तो पूरे का पूरा आपको प्राचीन काल से अगर हमारी क्लास लेने के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता वहां से, ये हम आपको बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकते हैं वह, और आप फील करेंगे कि हाँ जो सर ने हमें पढ़ाया है वाकई क्वेश्चन सब वहीं से बनते हैं और बनेंगे और आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें भी बनेंगे। तो और 10 साल का हम एनालिसिस करके 10 साल के पेपरों का आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो आप ऑफलाइन क्लास में बैठिए हमारी और चाहे हमारी ऑनलाइन क्लास में बैठिए, दोनों का बिल्कुल सेम आपको क्लास मिलेगी। तो यही जानकारी मुझे आप तक पहुंचाने थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, आपके इतिहास की जो क्लास होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इतिहास के स्रोत से, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्लास का आप हमारा इंतजार करिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तो देखिए, आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी फ्रेंडली आप हमारी क्लास लीजिएगा। आप यकीन मानिएगा, आपके द्वारा ली गई हमारी क्लास, अगर एक बार आपने हमारी क्लास ले ली, तो आप आगामी कोई भी परीक्षाएं हो, आप उनमें 100% एलिजिबल और कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सक्षम होंगे। ये मैं आपसे पूर्ण रूप से और पूरी एनर्जी के साथ और ईश्वर को ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए, अपनी पढ़ाई के जो दो हमने पढ़ाया है उस पर मैं आपको पूरा यकीन दिला सकता हूं उस चीज के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल, और नेक्स्ट क्लास में इसी ऐसे टॉपिक को हम आगे टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक आप हमारा इंतजार करिएगा। मैं आपका टीचर गुलशेर गौड़।